दोस्तों, जब भी आप लोग पूछते हैं कि कितना बिजली इस्तेमाल होता है, तो मैं आपको बता दूं, चाहे रात हो चाहे दिन हो, मेरी बिजली का जो मेन MCB है वो गिरा रहता है, चाहे कोई भी टाइमिंग हो। तो अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप थोड़ा देखना कि मैंने अपना सब कुछ बंद रखता हूं, और आप यहाँ पे भी नज़र डाल सकते हैं कि यहाँ पे मेरी एक बैटरी बैंक 47.4 हो गया है, 363 वाट का लोड है, ब्लाइट वे चल रहे हैं, अभी उतनी गर्मी नहीं है, नॉर्मल है। और एक 4 ग्रुप का बैटरी बैंक जो है, ये मेरी ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर पे इतने पे ही ये रात भर रन करा देगा, मतलब कि लाइट हो गया, BLDC फैन है, वो सब कुछ चला देगा। और ये बैटरी बैंक मेरा भोर में 5 से 6 बजे शिफ्टिंग करेगा इस वाले बैटरी बैंक पे, और ये सुबह का खाना पीना, नहाना धोना, सारे काम ये बैटरी हमारा करवा देगा। तब तक धूप आ जाएगा और सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। बात आता है ठंड के महीने का, ठंड के महीने में आपको पता है फैन नहीं चलेगा, AC नहीं चलेगा, तो सोलर 40 से 35% हमारा बिजली जनरेट करता है, बैटरी 80% 90% चार्ज हो जाती है। तो काम होता क्या है कि हमारे घर में रूम हीटर है, माता पिताजी के लिए, वो अपना काम जो है आसानी से अपना कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। इसके बाद जो है मेरा घर का जो लाइट है वो चलता है, तो मेरा काम निकल जाता है। मैंने 1 किलोवाट का बिजली अपने माताजी के नाम से पास करवाया है, पहले पिताजी के नाम नाम से था, तो पिताजी के नाम वाला मैंने कटवा दिया, मैंने माताजी के नाम से 1 किलोवाट बिजली करवा लिया। 1 किलोवाट की जो बिजली है इमरजेंसी के लिए रख दिया हूँ, कभी इन्वर्टर जल गया। देखो, इंसान का कोई भरोसा नहीं है, कब इंसान बीमार हो जाए, कब क्या हो जाए, कोई नहीं जानता। तो 1 किलोवाट की जो बिजली है वो इमरजेंसी नीड के लिए है, महीने का 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये, इस तरीके से अपना आता रहता है बिल, पे कर देता हूँ। और उतना तो गुटखा पान मावा में लोग थूक देते हैं, पर इमरजेंसी में अगर कभी जरूरत पड़ गई बिजली की और आपके पास नहीं है, कभी आपने जनरेटर मंगवाया, तो जितना आप महीने पे किए हैं वो एक साथ चला जाएगा। तो फिर मिला जुला के बिजली इस्तेमाल हमारा नहीं होता है, काफ़ी आनंद है। और जो लोग बोलते हैं कि ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर ये भी लॉस करता है, तो मैं आपको बता दूं, इसकी जो इफिशिएंसी है 97-98 है, ना के बराबर लॉस करता है, इसी का नाम ट्रांसफार्मर लेस है। मैं भी पहले इसके खिलाफ था, मैं इसको यूज करने के लिए, खरीदने के लिए मना करता था। जब मैंने इसको यूज किया, इस्तेमाल किया, तो मेरे को एक अच्छा रिजल्ट मिला, और अब तक कोई शिकायत हमको देखने को नहीं मिला। मतलब कि आप गर्मी देख ही रहे हैं किस हद तक पड़ रही है, उतना हाई तो नहीं है। काफी लोग बोलते हैं कि मई जून आएगा तो जल जाएगा, मई जून में जल जाएगा तो इन्वर्टर और पैसा दोनों आपको मैं फ्री में दे दूंगा, समझे ना। आइए हमसे शर्त लगा लीजिए, जलेगा कब? जलने को कुछ भी जल सकता है, जलने को तो इंसान जल जा रहा है, इंसान की जिंदगी चली जा रही है, ये तो क्या चीज है। हर चीज की एक सेफ्टी होती है, एक अपनी लाइफ होती है। अगर आप इसे हिसाब से चलाते हैं, इसको बैल नहीं समझते हैं, एक हिसाब से इसको यूज करते हैं, देखो जलेगा कब। इसके अंदर ये आप जो देख रहे हैं ना, ये हवा कूलिंग के लिए, मतलब कि ये हवा को अंदर ले जाता है, यहाँ से बाहर आता है। दोस्तों, आपको मंथली कंपनी ने लिखा है बुकलेट में कि आपको मंथली, सॉरी, आपको 15 दिन में इसको खोलना है, इस पेज को, और सफाई करना है। इसमें डस्ट जमा रहेगा तो अंदर हवा जाएगा नहीं, हीटिंग होगा तो खराब होने का डर रहेगा। आप अगर इसका ख्याल करोगे तो ये भी आपका ख्याल करेगा। तो कभी ये मत सोचना कि वो चीजें कैसी थी और ये चीजें कैसी है, कभी निगेटिव अपने लाइफ में मत सोचो, हमेशा पॉजिटिव सोच के चलो, अच्छा ही होगा। और रह गया बात रिजल्ट का, तो मेरा रिजल्ट ये कहता है कि काफी मैं हैप्पी हूं, अब तक कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। और देख सकते हैं कि 2000+ हमारा यूनिट बन चुका है, जो ठंड के महीने से अब तक ये बना है। इसके पहले मैंने एक बार रिसेट किया था, तो आप जोड़ सकते हैं कि 2000 यूनिट मैंने अब तक अपने सिस्टम से काम किया है। 2000 यूनिट कितना होता है खुद आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, कोई शिकायत नहीं है, आप ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर ले सकते हैं,
100% वर्किंग है, कोई कमी नहीं है। मेरा इस पे रिव्यू ये रहा कि ये काम बढ़िया कर रहा है, बाकी आगे क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता। बाकी निगेटिव कभी मत सोचना। तो मैं अच्छा खासा पैसा बचा लेता हूँ सोलर सिस्टम से, और ये जो कंपनी की बैटरी है इसको भी बेचने वाला हूँ, ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, इसको भी सेल करूँगा और हाथ की सारी बैटरी रखूँगा। नो कंपनी की बैटरी, कुछ भी नहीं रखना है कंपनी का, सब सारे लूटने का काम करते हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।